राज राजेश्वरी मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब, पूजी गई कुवारी कन्या। बढ़ते कोरोना संक्रमण के वजह से बीते वर्ष शारदीय नवरात्रि का उत्सव फीका पड़ा रहा। वर्ष 2021 में तेजी से हुए टीकाकरण के वजह से इस साल आयोजित होने वाली शारदीय नवरात्रि के दौरान महाअष्टमी के दिन पूजा पंडालों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। वहीं जिले के कोनगर स्थित राज राजेश्वरी मंदिर में इस दिन भक्तों का तांता लगा रहा। हालांकि कोरोना संकट अब तक खत्म नहीं हुआ, इसलिए मंदिर में आने वाले दर्शनार्थियों के लिए मास्क अनिवार्य रखा गया। आदि जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी द्वारा कोनंगर में स्थापित श्री राजराजेश्वरी सिद्धपीठ में सुबह से ही मां के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। यहां बड़ी तादाद में श्रद्धालु अपनी अपनी मुरादें लेकर मंदिर में माथा टेकने पहुंचे। इस दिन मां ललितम्बे का अलौकिक श्रृंगार किया गया। मां का भव्य रूप आज देखने को ही बन रहा था। नौ कुमारी कन्या और एक बालक बटुक भैरव व लागूरा स्वरूप की विधिवत पूजा की गई। पूजा के बाद नौ कन्या को एक पंगत में बैठाकर भोजन कराया गया। मंदिर में भंडारे का भी आयोजन हुआ, जिसमें सैकड़ों भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। 1200 अखंड ज्योत जगाई गई। ब्रह्मचारी सच्चित स्वरूप महाराज ने कहा कि अष्टमी के दिन नौ कन्याओं को पूजा जाता है, इसके बाद 1000 कन्याओं को भोजन करवाया जाता है। हुगली जिले में यही एक ऐसा मंदिर है जिसमें एक साथ 1001 कन्याओं को भोजन करवाया जाता है, उन्हें उपहार भी भेंट किए जाते हैं। इन क्या क्या कार्यक्रम का आयोजन हुआ है मंदिर में? आज शारदीय नवरात्र की अष्टमी का पावन पर्व है। माँ जगदम्बा महागौरी के रूप में विराजमान रहे हैं। प्रति वर्ष कुमारी पूजन यहाँ पर होता है। आज प्रातः काल नव कन्या का बटुक भैरव के साथ हम लोगों ने पूजन किया है। सायंकाल सामूहिक पुष्पांजलि होगी समस्त विश्व कल्याण के लिए, और वर्तमान में जो महामारी आई है उसके निवारण के लिए माँ जगदम्बा का रोज हम लोग पूजन आराधन कर रहे हैं। जगदम्बा निश्चित कृपा करेंगे। कितनी कुमारी कन्या को भोजन कराया जाता है आज के दिन? ऐसे विधान तो नौ कुमारी कन्याओं का है। नौ कुमारी का प्रतीक रूप में हम लोग पूजन करते हैं। बाकी हजारों कन्याएं यहाँ पर भोग प्रसाद लेती हैं, उनको यथाशक्ति हम लोग पूजन करके दान दक्षिणा देते हैं। कोरोना महामारी के बीच इस बार भी पूजा का आयोजन हुआ है, क्या संदेश देना चाहेंगे? इसमें हम तो यही चाह रहे हैं कि मर्यादाओं का पालन करते हुए व्यक्ति अगर जगदम्बा का आराधन करे और आचार विचार का ध्यान रखे तो हम सभी महामारियों से निपट सकते हैं और सुख समृद्धि के साथ रह सकते हैं।